नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 9:56 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:45 तक प्रीति योग रहेगा, साथ ही आज दोपहर 12:13 तक आर्द्र नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज जया एकादशी व्रत है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है, अब ये योग 26 फरवरी की रात 11:17 से अगली सुबह 6:27 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है, अब ये योग 22 फरवरी की सुबह 6:31 से शाम 4:43 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 21 फरवरी की सुबह 6:55 से सुबह 7:44 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 25 फरवरी की सुबह 6:51 से सुबह 10:47 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 21 फरवरी की सुबह 7:25 से सुबह 8:14 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:37 से रात 12:30 तक, और एक बार फिर रात 2:49 से सुबह 6:55 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 22 फरवरी की दोपहर 12:59 तक रहेगा, 12:59। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:24 से शाम 4:49 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:46 से शाम 5:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:24 से शाम 4:48 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:35 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:25 से शाम 4:51 तक। कोलकाता दोपहर 2:42 से शाम 4:08 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:45 से शाम 5:11 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन आपके माता पिता की सेवा में व्यतीत होगा। किसी शुभ समाचार के मिलने का योग नजर आ रहा है। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई नया पद मिलेगा जिससे आपकी छवि बेहतर होगी। दूसरों की समस्याओं से आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए आप उनकी समस्या का निवारण करेंगे। आज आप नई जमीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। जो युवा आज जॉब की तलाश में हैं, उनको आज अच्छी जगह पर जॉब मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। फुटबॉल खेल रही महिलाओं को आज शानदार जीत मिलेगी जिससे आपको अवार्ड दिया जाएगा। आमदनी में आज इजाफा होने से अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करेंगे। परिवार का वातावरण शांत बना रहेगा। अपना टाइम आज बच्चों को पढ़ाने में स्पेंड करेंगे, बच्चे खुश नजर आएंगे। मित्र को उसके जीवन में चल रही समस्याओं से बचाने के लिए आप उनको सलाह देंगे जिससे उसका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अनुपम रहेगा। आज सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यायाम और खानपान पर ध्यान दें। आपकी भूमि पर चल रहे झगड़ों से आज छुटकारा मिलेगा जिससे आपकी भूमि वापस मिल जाएगी। ज्वेलरी शॉप वालों की आज अधिक सेल होगी और अधिक लाभ होगा। माताजी आपके काम में हेल्प करेंगी, आपको काफ़ी आराम रहेगा। कुछ लोग आज आपसे ज़्यादा हेल्प की उम्मीद रखेंगे, आप हेल्प करके उम्मीद को कायम रखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपके सारे बिगड़े हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। आज आपके लिए विवाह का प्रपोजल भी आ सकता है जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको उपहार स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु, इस्तेमाल की वस्तु, कोई यूटिलिटी की चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन रिश्तों में मिठास भरने का दिन है। साथी को चॉकलेट गिफ्ट करने से उन्हें खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। काम के प्रति डेडिकेशन होने से आप जल्दी ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप मैथ्स के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। आपका फ्रेंड आपसे कोई जरूरी किसी जरूरी सामान की डिमांड कर सकता है जिसे आप वो सामान जरूर दिलाएंगे। जीवन साथी के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। आपसी रिश्ता अच्छा बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां ज्यादा बढ़ेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका मन उत्साहित रहेगा। जॉब कर रहे लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। आपकी सैलरी में इजाफा होगा। मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अच्छा ऑफर मिलेगा और अधिक से अधिक लाभ होगा। इस राशि की महिलाओं को आज बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा और वो आज अपने बिजनेस को काफ़ी विस्तृत करेंगी।
किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आप राहत फील करेंगे। काम के क्षेत्र में तमाम कठिनाइयां होने के बावजूद भी आप उनसे सामना करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। किसी पुराने मित्र का सहयोग मिलेगा जिससे आप काफ़ी खुश रहेंगे। किसी बात को लेकर भाई बहन में अनबन हो सकती है, बहस करने से बचें। आप नए काम पर सोच विचार कर सकते हैं जिससे आपको खूब तरक्की मिलेगी। जीवन साथी आपसे प्रभावित होंगे जिससे आपसी रिश्ता मजबूत होगा। अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको सोशल सर्विस के फाउंडेशन को चलाएंगे जिससे बहुत से लोगों की मदद व सेवा होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको नया अनुभव मिलने वाला है। आज थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ा मुनाफा होगा। दोस्तों के साथ देवी माँ के दर्शन के लिए जाएंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज उनके कोच द्वारा अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका लाभ आपको खेल के मैदान में दिखाई देगा। बुजुर्गों की सेवा करें जिनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप जल्द ही सफल होंगे। संतान पक्ष से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसी नए रोचक पर्सन से मुलाकात होगी। मैं आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। समाज की सेवा कर रहे लोगों को आज स्थानीय लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा जिससे आपका हौसला बढ़ेगा। भाई बहन के रिश्तों में आज ज़्यादा प्यार होगा, मिलकर काम करेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में चल रहे प्रयास आपके सफल होंगे। बिजनेस काफ़ी तरक्की करेगा। पौष्टिक भोजन को करें जिससे आपकी सेहत में सुधार होगा। घुटनों की बीमारी का आज सफल इलाज होगा। दर्द से राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। कामकाज से जुड़ी चुनौती आज आपके सामने आएगी, साथ ही आज आप इसमें सफल भी होंगे। आपको अपनी किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। अपना आत्मबल जगाने की कोशिश करना जारी रखना होगा, इससे विपरीत स्थितियों का आप सामना कर सकेंगे। किसी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। घर में सुख शांति स्थापित होगी। आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। बुक सेलर्स के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी रहेगा। बुक्स की सेल ज़्यादा ही बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे। सेहत के हिसाब से आज आप खुद को फ्रेश फील करेंगे। नव विवाहित दंपति आज मंदिर जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। भगवान से अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना कीजिए। परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस के काम में आप बिजी रहेंगे जिससे आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे। सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर आप अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे जिसका इम्प्रेशन लोगों पर साफ दिखेगा। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी जिसके सुधार के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपको फालतू के खर्चों को कम करना चाहिए जिससे परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। दादा दादी का समय बच्चों को कहानियां सुनाकर स्पेंड होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो हरे कपड़े पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गरीब को भोजन कराएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी बड़े बुजुर्ग की राय लीजिए, फायदा जरूर होगा। मूलांक 2, आज का दिन लवमेट के लिए अच्छा रहेगा। कहीं घूमने या मूवी देखने का प्लान बन सकता है। मूलांक 3, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी से कोई फैसला न लें। मूलांक 4, आज का दिन व्यस्तता में बीतेगा लेकिन आपका काम समय से पूरा हो जाएगा। मूलांक 5, आर्थिक स्थिति को लेकर चल रही टेंशन खत्म होगी। करियर में आ रही रुकावटें आज समाप्त हो जाएंगी। मूलांक 6, कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ नए विचार आएंगे। आज आप कोई नई योजना बना सकते हैं। मूलांक 7, स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा।
आप अपने किसी रुके काम की शुरुआत करेंगे। मूलांक 8, अगर आप कोई नया मकान लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। मूलांक 9, आज आपके घर पर अचानक कोई मेहमान आ सकता है जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा के बारे में। दक्षिण पश्चिम दिशा को भारी सामान रखने के लिए सबसे उचित दिशा माना जाता है। घर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ के दक्षिण पश्चिम हिस्से को सबसे ऊंचा रखना चाहिए। साथ ही इस दिशा की दीवारों को अन्य दिशाओं की दीवारों से मोटा बनाया जाना चाहिए। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ बनाई जानी है तो वो भी घर की इसी दिशा में बनवाइए। आप चाहें तो इस दिशा में एक स्टोर रूम भी बनवा सकते हैं जिसे भारी सामान रखने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इस दिशा को भारी सामान रखने के लिए क्यों उपयोग में लाना चाहिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट है। दरअसल पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा दक्षिण दिशा में करती है तो पृथ्वी एक विशेष कोणीय स्थिति में होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है लेकिन इस दिशा में भार रखने से वो संतुलन में आ जाती है। साथ ही इस दिशा में गर्मियों में ठंडक जबकि सर्दी के मौसम में गर्माहट रहती है, जिसके चलते भारी सामान की ऊर्जा में भी संतुलन बना रहता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 9:56 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:45 तक प्रीत योग रहेगा। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो प्रीत योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज दोपहर 12:13 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को सातवां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी है। अर्थात पुनर्वसु शब्द का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकस को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पौधे से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ पौधे से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ पौधों की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान बांस के पौधे की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और न ही इसे किसी प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके परिवार में सुख सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये थी प्रीत योग और पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज जया एकादशी व्रत के बारे में। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने में एकादशी दो बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष की एकादशी पूर्णिमा के बाद आती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी अमावस्या के बाद आती है। आपको बता दूं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं, इस महीने के शुक्ल पक्ष। लिहाजा आज जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। शास्त्रों में ये एकादशी बड़ी ही शुभ फलदायी बताई गई है। एकादशी में भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने और उनकी पूजा करने का विधान है। लिहाजा आज के दिन जो गृहस्थ हैं और जो गृहस्थ नहीं हैं, सबको ये व्रत करना चाहिए और श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत और भय आदि से छुटकारा मिलता है। तो ये थी चर्चा जया एकादशी व्रत के बारे में।
इसके अलावा आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या कुछ खास करने उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अपने जीवन से नकारात्मकता दूर करके खुशियों का आगमन करने के लिए आज जया एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर न हो तो हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और इस बोझ से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते बहते जल में प्रवाहित करते हैं। आज के दिन ऐसा करने से कर्ज से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो एक पीला रुमाल अपनी जेब में रख लें। उसके बाद गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में गुड़ और चना सब में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से मधुरता कहीं गुम हो गई है और अब प्यार की गुंजाइश नहीं बची है तो फिर से प्यार बहाल करने के लिए आज के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दीजिए। फिर उस खीर से श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और खुद भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता के साथ साथ प्यार भी बढ़ेगा। अगर आप अपने करियर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आज के दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन आप इस मंत्र का 11 बार जप करें। साथ ही आपको बता दूं कि आप ये उपाय आज एकादशी से शुरू करके लगातार 3 दिन तक करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में डेवलपमेंट होगी। अगर दूसरों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु के 4 धामों में से तीसरे धाम यानी श्री जगन्नाथपुरी के ऑनलाइन दर्शन करें। मतलब श्री जगन्नाथपुरी के दर्शन करें और भगवान को अच्छी खुशबू वाला इत्र अर्पित करें। अगले दिन उसी इत्र में से थोड़ा सा इत्र अपने भी लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से आप हमेशा भीड़ से अलग नजर आएंगे और जल्द ही तरक्की के नए आयाम छुएंगे। अगर किसी कारणवश आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से अड़चने आ रही हैं या आपका साथी ही अभी शादी के लिए तैयार नहीं है तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर कर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे गंगा जल को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन स्नान के बाद घर में ही भगवान विष्णु की प्रतिमा या मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही एक लोटे या गिलास में जल भरकर रख लें और उसमें थोड़ा गुड़ और लाल फूल डाल दें। अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो ओम नारायणाय नमः का कम से कम एक माला जप करें। जाप के बाद भगवान से दोनों हाथ जोड़कर अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और जाप के समय रखे हुए जल को पीपल की जड़ में चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका घर परिवार दूसरों की बुरी नज़र से बचा रहेगा। यदि आपका पैसा अपने ही किसी जान पहचान वाले के यहाँ फंस गया है और अब वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है और आप भी उससे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो आज के दिन अपने घर के मंदिर में श्री विष्णु जी को शहद की शीशी चढ़ाएं और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का 11 बार जाप करें। साथ ही श्री हरि के चौथे धाम यानी श्री रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करें, अब ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। मान लो आप ऑनलाइन भी दर्शन नहीं कर सकते, आपके पास वो भी साधन नहीं है, तो आप आंखें बंद करके और उसकी कल्पना करके दर्शन करें। एक ऑनलाइन होता है, एक ऑन मन होता है,
तो ऑनलाइन नहीं कर सकते तो ऑन मन दर्शन कीजिए, मन के आधार पे मन से दर्शन कीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही वो व्यक्ति खुद चलकर आपका पैसा वापस करने आएगा। अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो आज श्री विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए। अब उसमें दो हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और एक पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना दें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है तो साधारण एक रुपए का सिक्का उस पोटली में रख दें। अब उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज कच्चा सफ़ेद सूत का धागा लें और पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करते हुए वो सूत का धागा पेड़ पर लपेट दें। इसके बाद प्रार्थना करें कि आपको कोई भी शत्रु परेशान न करे। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो आज गाय को घी चुपड़ी हुई रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं और गौ माता का आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे के सारे काम बनेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीत योग, पुनर्वसु नक्षत्र और जया एकादशी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी ने मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A, तो आज छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई करते समय अपना मन शांत रखें। B, आज आपके कारोबार में तरक्की होगी, धन प्राप्ति के भी योग बन रहेंगे। C, आज धार्मिक स्थल पर जाने में आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का भी मन करेगा। D, आज अपने परिवार के साथ रहेंगे, साथ में बाहर खाना खाने के लिए भी जा सकते हैं। E, घर पर अचानक से आपका कोई करीबी रिश्तेदार आ सकता है, घर में खुशी का माहौल रहेगा। F, आज आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। G, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, किसी काम के लिए दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है। H, कई दिनों से चल रही पारिवारिक समस्याएं आज खत्म हो जाएंगी, आप सब कहीं पिकनिक पर भी जा सकते हैं। I, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। J, कार्यक्षेत्र में आज सीनियर्स का दबाव रहेगा, आज शाम को घर पहुंचने में लेट भी हो सकते हैं। K, किसी सहकर्मी की मदद से आपका रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। L, कुछ बाहरी विचार आज आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, विरोधी पक्ष से दूरियां बनाकर रखें। M, आज आप किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जा सकते हैं, मन को शांति मिलेगी। N, आज आपके कंधों पर कुछ नई पारिवारिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। O, बदलते मौसम की वजह से आज सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, खान पान का विशेष ध्यान रखें। P, आज जहां भी जाएं अपने साथ एक्स्ट्रा पैसे जरूर लेकर जाएं, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। Q, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आज विवाह से संबंधित कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। R, आज आपको किसी समारोह में सम्मानित किया जा सकता है, नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। S, आज आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने से परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे खिल उठेंगे। T, आज आपको धन लाभ के नए अवसर मिलने के साथ ही व्यापार में वृद्धि होगी। U, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आज का दिन शुभ रहेगा, ये यात्रा आपके लिए बढ़िया रहेगी। V, आज का दिन लवमेट के लिए बेहतर होगा, कहीं पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। W, बिजनेस करने वाले लोगों को नए सौदे मिलेंगे, आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। X, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा, सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे। Y, किसी सदस्य से चल रही अनबन आज खत्म हो जाएगी, किसी नए काम को शुरू करने में अपनों का साथ मिलेगा। Z, आज आप
नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भोलेनाथ की नगरी काशी, जहां हनुमान जी का एक पुराना मंदिर मौजूद है जिसका नाम है बनकटी हनुमान मंदिर। काशी के प्राचीन हनुमान मंदिरों में से एक है बनकटी हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है यहाँ 41 दिन दर्शन करने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बताया जाता है कि पुरातन काल में यहाँ बहुत से घने वन थे, घने वनों के बीच में से ही हनुमान जी का ये विग्रह प्राप्त हुआ था, इसी कारण इसे बनकटी हनुमान जी कहा जाने लगा। कहते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने आते थे। तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने जीवन साथी के रूप में लड़की का चुनाव करते हुए उसकी आँखों के बारे में बात की थी कि कैसी आँखों वाली बच्ची आपके लिए एक सुयोग्य जीवन साथी साबित होगी। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही अन्य बातों के बारे में बताऊंगा। भाग्य के संयोग से अगर किसी की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मसा हो तो ये स्वयं उसकी चमकती किस्मत को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में आएगा तो आपकी किस्मत का सितारा भी बुलंद हो जाएगा। वहीं जिस किसी के बाएं गाल पर तिल होता है वो खाने का बहुत शौकीन होता है। खाने के साथ ही ऐसे व्यक्ति को कुकिंग करने में यानी खाना बनाने में भी बहुत आनंद आता है। तो जिस किसी के बाएं गाल पर तिल होता है वो अपने परिवार को हमेशा खुश रखता है और उसके घर में अन्न धन की बरकत होती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिमबी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज सुबह 9:56 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर पहले 11:28 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज नवग्रहों को स्मरण करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।